आप सभी को क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम खड़े हैं बठिंडा जंक्शन पे और तैयारी कर रहे हैं इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली जाने की। और ये मेरे साथ है ऋतिक। हे गाइस, हम जा रहे हैं श्री हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस में, जो यहाँ पे 4:30 पे पहुँचेगी। अभी ट्रेन के आने में टाइम है और हमें लग रही थी भूख, तो इसलिए अब हम खाने लगे हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे खा लिए हैं, अभी ट्रेन के आने में टाइम है और इसलिए हम जा रहे हैं वेटिंग हॉल की तरफ। काफी अच्छा वेटिंग हॉल बना हुआ है, काफी बड़ा स्टेशन है। और देखिए ये बैठे हैं हमारे जैसन शर्मा। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन हो चुकी है बठिंडा जंक्शन से रवाना। देखिए हमारे जैसन जी कैसे आराम से सो रहे हैं। ये देखिए ये वीर जी हमें मिले हैं, ये आज चले हैं आगरा की तरफ। हाय। और ये आज से हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। ये देखिए हमारी लास्ट वीडियो देख रही हैं, जागो नाइट वाली। तो अभी हम आ चुके हैं रात का खाना ऑर्डर करके। 140 रुपये में ये पूरी प्लेट देते हैं, जिसमें 3 सब्जियां होती हैं और 4 रोटी एक। और ये हमें देंगे खाना रोहतक जंक्शन पे। तो अब रात के 9:30 हो चुके हैं और हमें बठिंडा से चले 4.5 घंटे हो चुके हैं और अब हम पहुँचे हैं हरियाणा के रोहतक जंक्शन पे। और ये देखिए सामने खड़ी है भारत की बुलेट ट्रेन कही जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। देखिए पीछे अभी रात के 11:30 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पूरे एक्यूरेट टाइम पे चल रही थी, इसलिए उसने हमें बिल्कुल भी लेट नहीं किया। और अब मैं आपको मेरा कल का प्लान बता देता हूँ। कल मैं घूमने जा रहा हूँ इंडिया गेट, रेड फोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जामा मस्जिद। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल सुबह। तो वेलकम टू न्यू डे। और आज हम जाने लगे हैं सबसे पहले फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। और अभी हम बैठे हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में और सबसे पहले जा रहे हैं दिल्ली गेट। 5 रुपये टिकट लेते हैं दिल्ली गेट तक। दोस्तों अगर आपको भी दिल्ली में घूमने आना हो तो आप DTC की बसें यूज़ करें, क्योंकि हमने आज सबसे पहले फिरोजशाह कोटला जाना था और ऑटो वाले कम से कम 100-150 मांग रहे थे, लेकिन DTC की बसों में हम 5 रुपये में यहाँ तक आ गए। ये देखिए आप सुबह सुबह ही दिल्ली का ट्रैफिक और सामने जो रहा है भारत का तिरंगा झंडा। हेलो सर। हाँ जी हम व्लॉग बना रहे हैं सर। हाँ जी। और सामने आप देख रहे हैं दिल्ली का फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। सर कौन से गेट से जाएं? दिल्ली गेट कहाँ जाना है? स्टेडियम में कौन से साइड से? तो आगे से जाना है। आगे से अभी हम बैठ गए स्टेडियम पहले वाला। ओके। आप सामने दिल्ली की सड़कों पे साफ सफाई देखिए और कितनी अच्छी लग रही हैं सड़कें। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने स्टेट को ऐसा ही सुंदर व स्वच्छ रखें। और ये रास्ता सामने जाता है स्टेडियम की तरफ, वो देखिए सामने आपको दिख रहा होगा फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन। और ये देखिए सामने है वीरेंद्र सहवाग गेट। अगर आपको भी स्टेडियम घूमने या मैच देखने आना हो, मैच में तो सभी गेट से एंट्री होती है, लेकिन अगर आपको स्पेशल अकेला स्टेडियम देखने आना तो आप ध्यान रखें कि वैसे स्टेडियम देखने के लिए एंट्री सिर्फ गेट नंबर 7 से होती है। मैंने स्टेडियम स्टाफ से पूछा, उन्होंने बोला कि बाकी सब गेट मैच के अलावा बंद होते हैं और 7 नंबर गेट से ही सिर्फ एंट्री होती है। अम्बेडकर स्टेडियम है और उसके साथ ही देखिए बैक साइड पे दिल्ली मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है। और इसके साथ ही बना हुआ है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। ये आप सामने देख रहे हैं अंबेडकर स्टेडियम।
फुटबॉल का है, यहाँ पर ISL के मैचेस होते हैं। और सामने है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा हुआ है। स्टेडियम के साथ ही मेट्रो स्टेशन भी, अभी हम मेट्रो से जा रहे हैं रेड फोर्ट की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे जामा मस्जिद। तो चलिए आज हम करते हैं मेट्रो की सवारी। अभी हम खड़े हैं मेट्रो स्टेशन पे, ये है दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो में रेड फोर्ट की तरफ। ये दिल्ली मेट्रो की टिकट, और सामने आ रही है हमारी मेट्रो। साथ में ट्रेन की लोकेशन भी आती है। और अब हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद स्टेशन पे। देखिए सामने है दिल्ली की जामा मस्जिद, लेकिन हम पहले जा रहे हैं रेड फोर्ट की तरफ, बाद में जाएंगे जामा मस्जिद। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बिल्कुल आमने सामने है। वो देखिए सामने आपको लाल किला दिख रहा होगा, और वो रही जामा मस्जिद। हम पहुंच चुके हैं लाल किला रेड फोर्ट पे। तो ये देखिए अब हम एंटर हो चुके हैं लाल किले में रेड फोर्ट। संडे का दिन है तो काफी भीड़ है। और भाई कैसे हो? तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लाल किले से बाहर जामा मस्जिद की तरफ। जामा मस्जिद यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर है, सामने ही है उस साइड। आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सारा रेड मार्बल से बना हुआ है, और बीच में खाली स्पेस है ताकि कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि काफ़ी पुराना है और पुराने समय में यही स्ट्रेटजी होती थी कि दुश्मन अंदर ना जाए हमले के दौरान। वो देखिए सामने है पार्किंग रेड फोर्ट की, लेकिन आज छुट्टी का दिन है संडे, तो खचाखच भीड़ हुई हुई है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड है शाही सुनहरी मस्जिद, को दिखाने जा रहे हैं जामा मस्जिद। और उसके बाद अगर टाइम रहा तो जाएंगे इंडिया गेट। तो चलो अब फिलहाल चलते हैं सबसे पहले जामा मस्जिद। आप अगर जब भी यहाँ पर आएँ तो आप अपने पर्स और फ़ोन का स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो तीन पुलिस वालों ने भी कहा है कि आप अपना बटुआ और पर्स का फ़ोन का स्पेशल ध्यान रखें, उसको बैग में आप अपनी ऊपर ली जेब में डालें, क्योंकि यहाँ पर जेब कतरे बहुत हैं। तो आप जब भी उनसे सावधान रहें। देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है। और देखिए हमने बैग भी अपने आगे ही टाई गए हुए हैं, ये देखिए। देखिए रास्ते में लाल किले की पार्किंग भी आ रही है साइड। इससे पहले मैं 2015 में आया था न्यू दिल्ली, तब मुझे याद है कि इसी जगह हमने गाड़ी पार्क की थी। देखिए दोस्तों सामने है जामा मस्जिद। So this was
वॉची नारेटेड ही नारेटेड ला इलाहा देर इज नो इन इंग्लिश इट कैन बी यूजली ट्रांसलेटेड एज देर इज नो गॉड बट गॉड तो ही लिटरली सेड देर इज नो गॉड एंड देन ही स्टॉप देर ही डिडंट से ला ही से ला इलाहा ही डिडंट से इल्लल्लाह So that became blasphemous and his head was chopped off right on the stairs and that is where his shrine came about and he's buried right next to his spiritual guide who and when we go inside we see two tombs, two graves, one is covered in green who is the saint of fertility, his spiritual guide and Sarmad is buried in a red portion, he's the saint of love. So women who are not married, women who are not able to get pregnant, they come in hope of fertility, you know, for a fertile womb. And they tie the thread, you know, you will see our own trans community members come here in on Thursday night. So you see a lot of those trans people as well here. देखिए दोस्तों पहुंच चुके हैं हम जामा मस्जिद बाहर लगी हुई है मार्केट अभी चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको आपको अंदर से भी ऊपर से मुझे लगता है दिल्ली बड़े अच्छे से दिखेगा दूर दूर तक वो देखिए दोस्तों सामने आया लाल किला और इस साइड जामा मस्जिद और सामने झूल रहा है भारत का तिरंगा झंडा ये देखिए सामने कितनी भीड़ है तो इस टाइम आप मेरे पीछे देख रहे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद और उस साइड आपको दिख रहा होगा इंडिया का रेड फोर्ट अब देखिए कितनी भीड़ है अंदर शायद कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है बहुत ही बड़ी मस्जिद है ये भी ये आप देख रहे हैं मार्केट जामा मस्जिद के बाहर ये देखिए सारी सौ सौ की हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे इंडिया गेट